चालाक जलपरी, मैंने तेरी पूंछ काट दी है, अब तू भाग नहीं पाएगी। रन। एक बार एक नदी में जलपरी और उसकी बेटी तैर रहे होते हैं, तभी जलपरी की बेटी को भूख लगती है। जलपरी की बेटी बोलती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटी, इस नदी में तो कुछ भी नहीं है। हम 2 दिनों से नदी में तैर रहे हैं, पर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। मैं नदी से बाहर तुम्हारे लिए कुछ खाने को ढूंढती हूँ। नदी के बाहर बहुत खतरा है, इसलिए तुम यहीं रुको। ऐसा कहकर जलपरी नदी से बाहर आ जाती है और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगती है। उसे नदी के बाहर एक आम का पेड़ दिखाई देता है। वह कहती है, कितना सुंदर आम का पेड़ है और इस पर तो कितने रसीले आम लगे हैं। मैं जाकर इसे तोड़ लेती हूँ, मेरी बेटी तो इसे खाकर खुश हो जाएगी। ऐसा कहकर वह आम के पेड़ से आम तोड़ने चली जाती है। उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। जैसे ही जलपरी पेड़ के पास जाती है, तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। चुड़ैल को देखकर जलपरी बहुत ही घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। Run. चुड़ैल जलपरी का पीछा करने लगती है और जलपरी पर अपनी कुल्हाड़ी का वार करती है। कुल्हाड़ी लगते ही जलपरी की पूंछ कट जाती है और जलपरी दर्द से तड़पने लगती है। चुड़ैल बोलती है, चालाक जलपरी, मैंने तेरी पूंछ काट दी है, अब तू भाग नहीं पाएगी। ऐसा कहकर चुड़ैल जलपरी को एक बड़ी कढ़ाई में डाल देती है और कहती है, मैं अभी जाकर तुझे पकाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आती हूँ, तब तक तू यहीं पड़ी रह। ऐसा कहकर चुड़ैल जंगल से लकड़ियाँ लेने चली जाती है। जलपरी तड़पने लगती है और वहीं बेहोश हो जाती है। जलपरी की बेटी कहती है, कितनी देर हो गई, माँ अभी तक नहीं आई, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। जैसे ही वह नदी से बाहर आती है, वह देखती है कि उसकी माँ तो नदी के किनारे एक बड़ी सी कढ़ाई में बेहोश पड़ी है। वह अपनी माँ के पास जाकर रोने लगती है और बोलती है, माँ उठो ना, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे साथ ये किसने किया। उसकी यह बातें पेड़ पर बैठा एक बाज सुन लेता है। उसकी बात सुनकर वह जलपरी के पास आता है और बोलता है, बेटा रो मत, एक चुड़ैल ने तुम्हारी माँ की पूंछ काट दी और तुम्हारी माँ बेहोश हो गई है। जलपरी की बेटी रोने लगती है। बाज बोलता है, रो मत बेटा, यह चुड़ैल बहुत ही दुष्ट है, परंतु तुम्हारी माँ को ठीक किया जा सकता है। उसे केवल इच्छाधारी नागिन ही ठीक कर सकती है। नदी के दूसरी तरफ इच्छाधारी नागिन की गुफा है, तुम वहाँ जाओ और इच्छाधारी नागिन को जल्दी से लेकर आओ, तब तक मैं चुड़ैल को उलझा कर रखता हूँ। जलपरी की बेटी इच्छाधारी नागिन को लेने चली जाती है। उधर बाज चुड़ैल के पास जाता है और वह चुड़ैल का ध्यान भटकाने लगता है। चुड़ैल बोलती है, अरे ये कमबख्त बाज कहाँ से आ गया, भाग यहाँ से, चल हट। और वहाँ से बाज को भगा देती है। जैसे ही वह जलपरी के पास आती है और उसे पकाने लगती है। तभी जलपरी की बेटी इच्छाधारी नागिन को लेकर वहाँ आ जाती है। Run. इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों से चुड़ैल को पकड़ लेती है और उसे आम के पेड़ पर उल्टा लटका देती है। चीन टमाक डम डम। और फिर इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों से जलपरी की पूंछ को ठीक कर देती है।